किसी फ्रेंड ने सवाल किया है कि अगर मैं अपने बाइक को थर्ड गियर में चला रहा हूँ ठीक, तो रास्ते में पोटहोल आ जाए, तो इसके लिए मुझे सेकंड गियर में अपने बाइक को लाने के लिए कौन सी स्पीड की ज़रूरत है। देखिए, आप जब ये मैंने बाइक को दे दी सेकंड गियर और ये मैंने बाइक को दे दी थर्ड गियर, इसी में अगर बाइक के सामने कोई सा भी पोटहोल आ जाए तो आप क्या करेंगे, बाइक का पिछला ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, पिछला ब्रेक लगाएंगे। अभी देखो मैंने ब्रेक लगाया तो इसके बाद आप क्लच पकड़ेंगे, इसके बाद आप गियर विथड्रा करेंगे। तो सेकंड गियर में बाइक को चलाने के लिए 10 से 20 स्पीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, 10 से 20 स्पीड में आप अपने बाइक को सेकंड गियर में चला सकते हो, यही तरीका है। और अगर दोबारा आप सेकंड गियर में सेकंड गियर से थर्ड गियर में चलाना चाहते हो तो वही क्लच पकड़ के आप थर्ड गियर में बाइक को चला सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।